शायद आपने कभी गौर किया होगा और आपके संदर्भ में आया भी होगा कि एक महिला पुराने कपड़ों के एवज में आपको नए बर्तन देती थी। एक कहानी जो दर्शाती है जिंदगी की सच्चाई। पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती एक संपन्न घर की महिला ने अंततः दो साड़ियों के बदले एक टब पसंद किया। नहीं दीदी, बदले में तीन साड़ियों से कम तो नहीं लूं। बर्तन वाले ने टब को वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भैया, एक एक बार की पहनी हुई तो है, बिल्कुल नहीं जैसी। एक टब के बदले में तो ये दो भी ज्यादा है, मैं तो फिर भी दे रही हूं। नहीं नहीं, तीन से कम तो नहीं हो पाएगा। वह फिर बोला, एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृह स्वामिनी को घर के खुले दरवाजे पर देखकर सहसा गली में गुजरती अर्धविक्षिप्त महिला ने वहां आकर खाना मांगा। आदतन हिकारत से उठी महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरनों को गांठ बांध कर बनाई गई उसकी साड़ी उसके युवा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बारगी उस महिला ने मुंह बिचकाया, पर सुबह सुबह का याचक है सोचकर अंदर से रात की बची रोटियां मंगवाई। उसे रोटी देकर पलटते हुए उसने बर्तन वाले से कहा, तो भैया क्या सोचा, दो साड़ियों में दे रहे हो या मैं वापस रख लूं? बर्तन वाले ने उसे इस बार चुपचाप टब पकड़ाया और दोनों पुरानी साड़ियां अपने गठर में बांधकर बाहर निकल गया। अपनी जीत पर मुस्कुराती वह महिला दरवाजा बंद करने को उठी तो सामने नजर गई। गली के मुहाने पर बर्तन वाला अपने गठर खोलकर उसकी दी हुई दोनों साड़ियों में से एक साड़ी उस अर्ध विक्षिप्त महिला को तन ढकने के लिए दे रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसे चुभता हुआ सा महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत ना होने के बावजूद बर्तन वाले ने उसे परास्त कर दिया था। वह अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि बिना झिकझिक किए उसने मात्र दो ही साड़ियों में टब क्यों दे दिया था। कुछ दिन के लिए आदमी की हैसियत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है यह कोई मायने नहीं रखता। आपकी सोच एवं नियत सर्वपरि होना आवश्यक है और ये वही समझता है जो इन परिस्थितियों से गुजर रहा हो। उम्मीद करता हूं ऐसी परिस्थिति यदि आपके सम्मुख आए तो आप खुली नजरों से, आत्मीयता की नजरों से और इंसानियत की नजरें डालकर अपनी नजरों के साथ देखें। धन्यवाद।